ड्रग्स के साथ हुए चार आरोपी गिरफ्तार। 34,23,740 रुपए की ड्रग्स हुई जब्त। पकड़े गए आरोपी मुंब्रा के रहने वाले। रॉ टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रहने वाले एक महिला समेत तीन लोगों को गुजरात के अहमदाबाद पुलिस ने मेथामफेटामाइन नामक ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग ड्रग्स की डिलीवरी करने आए हुए थे और पुलिस उपायुक्त बीवी गोहिल ने बताया कि सूचना के आधार पर अहमदाबाद के शाह आलम टोल नाके के निकट सिल्वर स्प्रिंग होटल में एक कमरे में छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से 374 ग्राम अवैध मेथामफेटामाइन ड्रग्स बरामद की गई है और इनके पास से 59,700 रुपये भी नगद बरामद किए गए हैं। ड्रग्स की कीमत 34,23,740 रुपये बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी मुंब्रा निवासी बरकत अली शेख 45 साल, उसकी पत्नी रुबीना 31 साल, अलीम अहमद शफी 26 साल और जो चौथा आरोपी है उसका नाम शहनवाज पठान है, इसी के घर ड्रग्स की डिलीवरी करने ये लोग गए हुए थे। पुलिस ने शहनवाज के घर की भी तलाशी ली और उसके घर से 4,16,000 रुपये बरामद किए हैं, साथ ही कुछ सामान भी बरामद हुए हैं और पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच कर रही है। माता ना मर्डर पछी आ धंधो शहनवाज चलावे छे। 4 वर्ष ना समय गाला सुधी आ साबरमती जेल में हता। लगभग 2019 ना वर्ष में आ छूटी आयो छे ने आवतानी साथे पछी आ धंधो शुरू कर्यो अने हवे फरीथी पकड़ाई गयो छे।